मोदी जी ने देश के पूरे आदिवासी समाज को ललकारा है। मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो आवाज अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना, लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई, तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। मोदी जी सिर्फ आपसे डरते हैं, और हेमंत सोरेन जी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा, अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे। दोस्तों सोच लेना, चाबी आपके हाथ में है। अगर आपने गलती से कमल का, और ये जितने यहां लोग आए हुए, आप सबकी जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, अपने अपने गांव में जाना है, अपने अपने मोहल्ले में जाना है, जाके सबको, पड़ोसियों को बताना है, गली में बताना है, गांव में बताना है, कोई कमल का बटन नहीं दबाएगा। अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो आप अपने आदिवासी समाज के साथ, आप अपने झारखंड के साथ धोखा करोगे, विश्वासघात करोगे, पीठ में छुरा घोंपेंगे आप अपने आदिवासी समाज को। सबको बता देना कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हमारा हेमंत सोरेन जेल में रहेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो आपका हेमंत सोरेन 5 तारीख को आप लोगों के बीच में, आपका बेटा, आपका भाई आप लोगों के बीच में होगा। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है, हाथ खड़े करो। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानते हैं, कौन कौन उनकी पूजा करते हैं? भगवान जगन्नाथ पूरी कायनात के, यूनिवर्स के देवता माने जाते हैं। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ। कल भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मैं समझता हूं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। ये लोग अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए।
इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए, इस अहंकार का तो नीचे लाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या नारा लगाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मेरा मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं, इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को।